मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा दो दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सीमित है और जो भी कांग्रेस में ज्यादा आवाज उठाता है उसका हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसा हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ कभी जनता के नेता नहीं थे, वो एक बड़े उद्योगपति हैं और उद्योगपति जनता का दर्द क्या जाने। देखिए, कांग्रेस में अब नेतृत्व खत्म हो गया है और कांग्रेस एक परिवार का दल है और ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्यों नहीं अध्यक्ष दूसरा बनता, क्योंकि अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग भारत के अंदर इन लोगों को चाहिए। अब मैं इनको कुछ कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं इसलिए मुझे ऐसे शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सेना पाकिस्तान को जवाब देती है उस पर दिग्विजय सिंह प्रूफ मांगते हैं, कांग्रेस के नेता प्रूफ मांगते हैं, मोहनचंद शर्मा बटाला हाउस पर प्रूफ मांगते हैं, सीए कानून बनता है, धारा 370 खत्म होती है इस पर इनको क्वेश्चन खड़ा होता है। तो ये जो नेतृत्व है ये अंग्रेजी मानसिकता का नेतृत्व है, इसलिए कांग्रेस यानी वहीं पर रहना चाहती है, राहुल सोनिया, सोनिया राहुल, और वहां जो आवाज उठाएगा वो नेता खत्म हो जाएगा, जिसका उदाहरण सिंधिया और पायलट परिवार है।